हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको पहले बताऊंगा कि आपको सबसे पहले बहुत ही परफेक्ट स्टोरी टेलर होना चाहिए। परफेक्ट स्टोरी टेलर मतलब क्या? सबसे पहले आपको मोरल ऑफ द स्टोरी स्टार्ट में बतानी है, तो आपके साथ में जो स्टोरी सुन रहा है, आप जिसको स्टोरी सुना रहे हो, वो काफ़ी कनेक्ट कर सकता है। तो जैसे आपने बताया कि कौवे को अगर प्यास लगी है तो उसको अपना दिमाग चलाना चाहिए। किसी को भी अगर प्यास लगी है तो उसको अपने पहले दिमाग लगाओ जैसे कौवे ने लगाया था। तो ये हो गया मोरल ऑफ द स्टोरी। अब उसका जो स्टोरी है आपको जब बताना है तो उसको प्रेजेंट टेंस में बताना है। पास्ट से स्टार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट में लेके आना है और फिर उसको स्टोरी टेलिंग करना है। सबसे पहले जब आप उसको स्टोरी टेलिंग में बताएंगे तो पास्ट में, जैसे वंस अपॉन ए टाइम, मतलब एक बार की बात है, एक कौवा था। अब उसने क्या देखा कि उसको प्यास लगी है। अब वो क्या करे, यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है। अब उसको एक घड़ा दिखाई देता है। घड़ा दिखाई देने के बाद फिर वो जाता है, देखता है इसमें तो पानी बहुत ही नीचे है। अब क्या करे, अब तो लगता है कि अब वो प्यार से मर जाएगा। तो अब क्या करे, वो आजू बाजू में देखता है और उसके बाद कंकड़ उठा के, पत्थर उठा के उस घड़े के अंदर डाल देता है। अब वो घड़े के अंदर डालने के बाद फिर उसका ऐसा है कि घड़े के अंदर जब डाल देता है तो पानी धीरे धीरे ऊपर आ जाता है और वो पानी पीता है और बहुत ही खुश हो जाता है और उड़ जाता है खुशी खुशी। तो आपने देखा, आप इसे रिलेट कर पा रहे हो? तो मैंने एक चीज़ देखा है कि जैसे पास से प्रेजेंट में आते हैं तो लोगों के दिमाग में वो स्टोरी पूरा घूमने लगती है। अगर आप पास में बताएं एक कौवा था, उसने देखा, तो ये चीज़ें लोगों को रिलेट नहीं कर पाती। और दूसरी चीज़ मैंने सीखा है कि अगर स्टोरी टेलिंग कर रहे हो तो उसके बीच में आपको पूछना है क्वेश्चन सामने वाले से कि क्या आप इसे रिलेट कर पा रहे हो। जैसे अगर मैं इस कहानी के बीच में आऊँ कि जैसे उसे प्यास लगी है, प्यास लगने के बाद उसको इतनी प्यास लगी वो तड़पने लगा। आप लोग भी ऐसा सोच सकते हो कि जब आपको प्यास लगती है तो आप भी यहाँ वहाँ छटपटाने लगते हो, देखते हो क्या मिले क्या नहीं, कहाँ से मिले। तो आप लोग इसे रिलेट कर पा रहे हो कि कितना तड़प रहा होगा? तो ये जो क्वेश्चंस है, हाउ मैनी ऑफ यू, तो वो आपको बताती है कि किस तरह से आपको रिलेट करना है, किस तरह से क्वेश्चन पूछना है। इस तरह से आपका स्टोरी टेलिंग एकदम परफेक्टली हो जाता है। थैंक यू।